कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा है या समस्या है वह यह है कि आपकी उत्कंठा, आपकी अभिलाषा, आपकी प्यास का अभाव, अपने स्वरूप बोध, अपने तत्व का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करने की अगर प्रगाढ़ अभिप्सा नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक साथ तुम्हारे गुरु हो और उपदेश करे तो भी तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल नहीं सकता है। तो आइए अब हम संक्षेप में जिस बहुत जोरदार बरसात हो रही है, झटके भी आ रहे हैं, इधर से ही पानी उधर से ही पानी, तो सभी सावधानी बरत रहा हूं, तो एक छोटा सा तत्व लेते हैं जो कि परम है, परिपूर्ण है। अष्टावक्र गीता के एक श्लोक के माध्यम से अपने उस परम वैभव को अनुभव करने का प्रयास करेंगे, आपके समक्ष रखूंगा। कहते हैं त्वया व्याप्तम् इदं सर्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचेत्तताम्। हे जनक, तुम ब्रह्मांड के कण कण को व्याप्त करके, आपूरित करके तुम सर्वत्र सर्वदा स्थित हो। उस ब्रह्मांड का कण कण तुम्ही से ही व्याप्त है। ब्रह्मांड का कोई भी कण तुमसे रिक्त नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम अपने को शरीर मान करके क्षुद्र बुद्धि से, क्षुद्र दृष्टि से शरीर होने का जो तुम्हें भ्रम हो गया है, यह क्षुद्र शरीर अर्थात जो देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु सीमित है, इस शरीर के अंदर ही मैं हूं। ये शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, शरीर मर जाएगा मैं मर जाऊंगा, जहां तक शरीर है वहीं तक हूं, ये तेरा भ्रम है, यही तेरा ज्ञान है। तुम्हारी मूल अविद्या यही है कि तुम अपने को शरीर मानते हो और शरीर तो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, लेकिन तुम शरीर के अंदर शरीरी हो, देह के अंदर का देही हो, तुम जड़ नहीं चेतन हो, दृश्य नहीं दृष्टा हो, तुम आत्मा हो, प्रज्ञान सत्ता हो, जो विराट से विराट है, दैट विच इज भास्टर देन द भास्टेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, लार्जर देन द लार्जेस्ट, विच इज द रूलर ऑफ रूलर्स, गवर्नर ऑफ गवर्नर्स, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। दिस इज योर इंट्रोडक्शन, दिस इज योर रियालिटी, ये तुम्हारा स्वरूप है। तुम विराट से भी विराट हो, तुम कालों के महाकाल हो, अनंत ब्रह्मांड तुझसे अस्पष्ट उत्पन्न होते हैं, तुझमें स्थित रहते हैं, तुम्ही में विलीन हो जाते हैं। न काल, न देश, न वस्तु कोई भी तुमसे भिन्न नहीं, तुम्हारे अंदर ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न सा, स्थित सा और विलीन होता सा प्रतीत होता है। इसलिए तुम्हारी जो अविद्या है, मूल अविद्या की मैं शरीर हूं, इसका अभी और यही दृढ़ संकल्प से त्याग करो कि मैं शरीर नहीं हूं, ये क्षुद्र देश काल वस्तु परिचिन्न शरीर मेरा परिचय नहीं है, न ये शरीर मेरा, न मैं शरीर हूं। मैं शरीर के अंदर जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, जो सर्व प्रकाशक, जो निराकार निर्गुण मेरा जो मैं है, मेरा मैं कब अनुपस्थित था, कब अनुपस्थित है, कब अनुपस्थित रहेगा, कहां पर मैं अनुपस्थित हूं, सूर्य पर, चंद्र पर, चलो अभी तो बरसात हो रही है, बरसात नहीं होती तो सूर्य भी अभी दिखते 6:30 बजे तक, तो सूर्य दिखते मुझे तो सूर्य मुझसे बाहर है, अंदर है, लगता है शरीर से तो अंदर है परंतु चेतना से बाहर है क्या। ब्रह्मांड जो अनादिकाल से, जिसने भी ब्रह्मांड के किसी वस्तु पदार्थ तत्व का दर्शन किया है और अनादिकाल से अनंत देश तक मेरी चेतना के बाहर कुछ भी संभव नहीं है। द्वापर, सतयुग, कलयुग, महाभारत काल, युद्ध, श्रीलंका,
लंका का युद्ध हुआ, महाभारत, कुरुक्षेत्र, ये सब तो इन सबका दृष्टा, इन सबका साक्षी तो मैं था और हूं। ये आए और गए, लेकिन मैं एक अद्वितीय निर्गुण निराकार साक्षी चैतन्य हूं। नित्य था, नित्य हूं, इसलिए मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं। मेरे सिवाय सब कुछ कल्पना मात्र है। ये अद्वैत वेदांत का समस्त अद्वैत वेदांत का सारांश है। मैं जो मैं है उसके स्वरूप पर अनुसंधान करो। उसका क्या स्वरूप है? लाल है, काला है, पीला है, क्या रंग है? हरा है, लंबा है, मोटा है? ढूंढ न पाओगे, क्योंकि वह निर्गुण निराकार जो परम तत्व है, वही मैं कोई अंग नहीं, कोई वस्तु नहीं, देश काल वस्तु परिचिन्न कोई सत्ता नहीं। देख, मैं जो है वो प्रज्ञान तत्व है, जो साक्षी चैतन्य है, जो निर्गुण है, निराकार है, आकारवान नहीं है। और जो निराकार है उसकी सीमा तो बताओ, कहां, किस देश में प्रारंभ होता है, किस देश में उसका समापन होता है, किस काल में वह प्रारंभ होता है, किस काल में समापन, और किस वस्तु में है और किस में नहीं है। ये बड़ा कठिन नहीं है, बस अनुसंधान तो करो, तुम्हें बड़ा स्पष्ट नग्नता में पता चल जाए कि जो मेरा मैं है, मेरा मैं है वह एकमात्र सद्वस्तु है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई ऐसी प्रिय से प्रिय वस्तु नहीं है जो नित्य मुझे उपलब्ध रही है, मुझे मेरे मैं के सिवाय। मेरा माता पिता, पति पत्नी, प्रेसी, मित्र शत्रु, राजा महाराजा, प्रजा, सब के सब आते हैं जाते हैं, परंतु मैं नित्य वस्तु हूं। एकमात्र मेरा मैं जो है, मैं गहन निद्रा में भी ये शरीर सो जाता है तो मेरा मैं तो कहीं जाता नहीं। मेरा मैं कहां गया? मेरे मैं के अंदर ये स्वप्न आता है, सुषुप्ति की अवस्था आती है, जागृत की अवस्था आती है, और ये सब जाते हैं, लेकिन मैं आता जाता नहीं हूं। इसलिए मैं एकमात्र नित्य वस्तु हूं, सद वस्तु हूं। सद की परिभाषा है वेदांत में, दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है। और अभी अनुसंधान करो 24 घंटे के अंदर के अपनी स्थिति को। तुम किसी भी एक वस्तु पदार्थ तत्व को जानते हो कि 24 घंटे में बिल्कुल एक जैसा अपरिवर्तनीय रहा हो। तुम्हारे शरीर का कण कण प्रति प्रत्येक कोशिका प्रत्येक सब में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड का कण कण, हिमालय हो, सूर्य हो, चंद्र हो, सब में नित्य परिवर्तन हो रहा है। परंतु जो दृष्टा है इन सब का, जो मेरा मैं है, बताओ, मैं जब बालक था, किशोर हुआ, युवावस्था आई, आगे बढ़ा, वृद्धा की ओर, वृद्धावस्था की ओर बढ़ेगा और बढ़ रहा है मैं, लेकिन कहां बढ़ रहा हूं, नहीं बढ़ रहा हूं, ये शरीर की गति है, इसका साक्षी रहा हूं, दृष्टा रहा हूं मैं। तो मैं नित्य उपलब्ध एकमात्र वस्तु हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नित्य नहीं है। वही मेरा जो मैं है, वही परम तत्व है, उसी परम मैं को ही निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन भ्रम के कारण लगता है मेरा मैं ये शरीर, ये तो शरीर तक है। नहीं, शरीर तदात्म से मैं सीमित हो गया है। शिव शव जैसा प्रतीत होता है, नारायण नर जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह जो अद्वितीय बोध है, जो शुद्ध बोध स्वरूप, जो अखंड ज्ञान सत्ता है, वह है मेरा मैं का स्वरूप। आंख बंद करके जब जाते हो, ध्यान करते हो, देखना उसका स्वरूप, साक्षी चैतन्य मात्र है। यही तो भागवतम में कहा शुकदेव ने, परमात्मा ब्रह्म भगवान किसे कहते हैं? बस एक ही सद्वस्तु है। सारे समस्त ग्रंथों का सारांश एक श्लोक में कहते हैं, वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो अद्वितीय ज्ञान है, अर्थात जो शुद्ध बोध स्वरूप, जो आत्मा है,
ज्ञान अद्वयम अद्वितीय ज्ञान दैट इज प्योर कॉन्शसनेस इज वेरीली कॉल्ड भगवान परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म। ये अलग अलग नाम है भगवान भगवत्ता ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर ये सबके सब वही जो शुद्ध बोध स्वरूप जो सभी जीवों की आत्मा है जो साक्षी चेतन आत्मा है जो अद्वितीय सत्ता है जो एक अद्वितीय सत्ता है उस सत्ता में ही उस सर्वस्तु में ही अनंत ब्रह्मांड भी भिन्न भिन्न रूप से ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के प्राणी पदार्थ वस्तु दिख रहे हैं। वह जो अनंत ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है जो हम सबकी नित्य प्रति की अनुभूति समस्त नाम रूप को प्रकाशित कर रहा अभी और यही मेरी वाणी को जो आप श्रवण कर रहे हो उसका जो आत्यंतिक प्रकाशक है वह ब्रह्म है। और यहां इस वाणी का प्रकाशक जिह्वा से जो शब्द निकल रहे हैं बुद्धि जो आलोकित हो रही है जिस सत्ता से वह ब्रह्म सत्ता है वह अद्वितीय ज्ञान है वह चैतन्य सत्ता है। इसलिए सृष्टि में न कोई नाम न कोई वस्तु न कोई क्रिया उस चैतन्य सत्ता के अभाव में संभव है। अब बताओ तुम्हें प्रत्येक नाम में प्रत्येक रूप में प्रत्येक कर्म में ब्रह्म क्यों नहीं दिख रहा है? वह चैतन्य जिसमें सब कुछ दिख रहा है जिससे सब कुछ दिख रहा है जिस पर सब प्रतीत सा हो रहा है वही तो ब्रह्म है। और वह कौन है? वो मैं हूं। मुझको सब दिख रहा है मुझ में सब दिख रहा है और मुझ में जब कहीं भी तुम देखने वाले को देखते हो देखना गहरे अर्थों में समस्त पंचेंद्रियों का प्रकाशक देखने वाला मन बुद्धि है और उनका भी जो प्रकाशक वह जो आत्मा है कुतस् चैतन्य है वह तो एक अद्वितीय शाश्वत सनातन सत्य है वह नित्य उपलब्ध है। अभी यही ये बादल दिख रहे हैं बरसात दिख रही है ये वृक्ष दिख रहा है मेरी तस्वीर दिख रही है ये सब जो देखने वाला है वह नग्न ब्रह्म है वो निराकार है निर्गुण है। इसलिए जब कभी भी किसी की आंखों से या कान से या पंचेंद्रियों से जहां कहीं भी कोई बोध घटित हो रहा है वहां ब्रह्म देख रहा है। तुम सड़क पर चलते हो बोलते हो नारायण दिख नहीं रहा है? अरे मूर्ख कोई दरिद्र हो कोई महापापी हो कोई महागंदा हो या राजकुमार हो राजा हो कोई प्रेसी हो कोई सुंदरी हो या सबसे विभस चेहरा जहां समस्त रोगों से ग्रस्त हो उन सबके अंदर जो देखने वाला है उसकी आंख में देखो नग्न ब्रह्म देख रहा है ब्रह्म प्रत्यक्ष देख रहा है क्योंकि चैतन्य के सिवाय वह जो अद्वितीय सत्ता जो सुखदेव महाभारत में भागवतम में कहते हैं अनुभूति करने की सत्ता किसी के पास नहीं है वह अद्वितीय सत्ता है वही तो ब्रह्म है वही तो परमात्मा है वही तो भगवान है। अब जब मैं ये बरसात देख रहा हूं आनंद ले रहा हूं आंख ये दृश्य को बरसात को देख रही ये चर्म से भी जो इतनी भीषण गर्मी से परेशान था जो ठंडक की अनुभूति जो चर्म को हो रही है कौन कर रहा है? चर्म चमड़ी त्वचा को जब गर्मी लगती है तो गर्मी या ठंडक वहां मन बुद्धि ये इंद्रियों का प्रकाशक मेरे मन बुद्धि हां ये गर्मी पड़ रही है अभी लग रहा बरसात हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन वह जो मन बुद्धि है उनको आलोकित प्रकाशित करने वाला कौन है? वही तो वह अद्वितीय चैतन्य सत्ता है वही देखने वाला वह नग्न दिख रहा है। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब भी जब मैं सब कुछ भी अनुभूति कर रहा हूं देख रहा हूं तो देखने वाला विपरीत में देखो देखने वाले को देखो यही निर्विकल्प समाधि है यही ब्रह्म दर्शन है नग्न देख। एक वाक्य में बोल रहा हूं समापन करूंगा देखने वाले को देखने के महाविज्ञान को ही समस्त ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या कहते हैं वही ब्रह्म सूत्र का अभिष्ट है वही श्रीमद् भागवत भगवत गीता का या समस्त उपनिषदों का अभिष्ट है। देखने वाले को देखो जानने वाले को देखो अनुभोक्ता की अनुभूति करो वह कोई और नहीं तुम्हारा मैं है मैं है मैं है मैं है वही ब्रह्म है वह नित्य उपलब्ध है नग्न दर्शन करो।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो आज श्रावण के जो श्रावण मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी के पावन अवसर पर हमने आपके समक्ष पावन नगरी ऋषि के हरिद्वार से उस दिव्य ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया, उस दिव्य चक्षु को खोलने के जो आतुर है उनके समक्ष थोड़ी सी संक्षेप में कुछ बातें रखी, ताकि अगर कोई प्यासा हो, वैसे तो प्यासा मुझे मिला नहीं आज तक, एकाध ही थोड़ी थोड़ी प्यास वाले मिले, लेकिन जो प्यास है सबको तो इंद्रिय भोग की, संसार की, उस परम की कामना है तो क्षुद्र की, चाहत है तो उसी क्षुद्र की, निकृष्ट की, और ब्रह्म विद्या तो उस विराट की कामना, भोगियों के भोग की, महाभोग की जब तुम्हारी दुस्साहस करने की क्षमता होगी, कामियों का भी कामी, भोगियों का भी भोगी, दुस्साहसियों का भी दुस्साहसी। शुद्र तो संसार में सभी भोगते हैं, लेकिन जो उस ब्रह्म विद्या का वर्ण करता है, जो संन्यास ले लिया, वह भोगों का जो महाभोग है, समस्त ऐश्वर्य का भी ऐश्वर्य है, प्रेम का भी प्रेम है, वह तो मेरा अपना स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए तो वह अक्षय धन जो मेरा अपना नित्य प्राप्त परमानंद स्वरूप मेरा मैं है, उसमें रमण करो, क्योंकि मेरे मैं के सिवाय वास्तव में न कुछ है, न कुछ था, न कुछ होने की संभावना है। तो निर्वाण सत्कम के एक दो श्लोक बोल देता हूं, और शुभकामना यह है कि आपके जीवन में उस परम वैभव को उपलब्ध होने की उत्कंठा प्रबल हो जाए, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के बड़े शुभ कर्मों से ही हो पाता है, नहीं तो क्षण भर की प्रति ये जीवन की जो आपाधापी में जो पारसमणि रूप जो ये मनुष्य शरीर मिला हो तो नष्ट हो जाएगा। कर्ता हम भोक्ता हम अविकारो हम क्रिय शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिव केवलो हम सदा शिव अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यदवाग्मन सगोचरम् अकर्ताहम् भोक्ताहम् अविकारोऽहम् क्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः शुद्धबोधस्वरूप शाश्वत सदाशिव मैं ही हूँ। मेरा वह निर्गुण निराकार जो आत्म ज्योति स्वरूप जो सद वस्तु है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही परम तत्व है, वह एक अद्वितीय सत्य तुम्हें नित्य उपलब्ध है, परंतु ज्ञान चक्षु तुम्हारा बंद है, तो बस उस ज्ञान चक्षु को खोल लो, और खोलने के लिए तो एक प्रमाणिक जिसने उसको अनुभव किया है, उस धन को पाया है, वही करा पाएगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पुनः एक बार श्रावण मास की प्रथम एकादशी की कोटि बधाई, और श्रावण मास में जो शिव तत्व है, भगवान शिव की कृपा आप सब पर बरसे, ये मेरी शुभकामना है। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्पर ज्योतिर्ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। आत्म ज्योति स्वरूप जो शिव सत्ता है वो मैं हूँ, ये मेरा परिचय है। आत्मा जो अनुभोक्ता दृष्टा
अब भी यही। इन शब्दों का जो श्रवण करने वाला आत्यंतिक रूप से वह ब्रह्म है, इन रूपों को देखने वाला आत्यंतिक रूप से वह ब्रह्म है, सभी आंखों से जो देख रहा है वो ब्रह्म है, सभी कानों से जो कानों के श्रवण की शक्ति है वो ब्रह्म है, वही आत्मा है, त्वचा से जो स्पर्श का बोध कर रहा है वह तो ब्रह्म है, अनुभोक्ता वही तो आत्मा है। कब घटना नहीं घट रही है, नासिका से जो गंध आ रही है जो अनुभव कर रहा है वह अनुभोक्ता ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही नित्य उपलब्ध सत्ता निर्गुण निराकार मेरा मैं है। अब बताओ इससे आसान क्या है? एकमात्र जो सद्वस्तु मेरा मैं है वह नित्य उपलब्ध है, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, बस ज्ञान चक्षु को खोल लेना है, जिसके लिए ही समस्त शास्त्र पुराण वेद वेदांत आपको गुरु की शरणागति। गुरु की शरणागति का तात्पर्य जिसने उसको जाना है, जिसने उसे प्राप्त कर लिया है, वो विद्या जो जानता है वही आपको करा पाएगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद। थोड़ी खिड़की को खोल कर दिखाता हूं आपको, यहां ऋषिकेश का दर्शन कराता हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चलिए अब समापन के साथ मैं निर्वाण शतकम का पाठ मात्र कर देता हूं और उसका अर्थ समझ लीजिए। निर्वाण शतकम का तात्पर्य है कि जो असत है उसका निषेध करके अपने सत स्वरूप जो सच्चित आनंद स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है वही मैं हूं, इसका श्रवण मनन निधि ध्यासन करो। जो असत है, जो पहले बताया, जो शरीर है, जो शरीर के अंग है, वह नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, दृढ़ संकल्प से निषेध कर दो। और इस शरीर के अंदर जो कुटस्थ चैतन्य जो शरीरी है उस पर प्रतिष्ठित हो जाओ, वह होने का तादात्म्य कर डालो। ये सारांश है निर्वाण शतकम का, तो उसका पाठ कर देते हैं ताकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर संप्रेषित हो जाए। आज एकादशी के पावन अवसर पर ऋषिकेश हरिद्वार से मनोबोध्यहंकार चित्तानिनाहम न च श्रोत्र जिहवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, मुझमें न कोई मृत्यु है न मृत्यु की शंका है न डर है, न मुझमें कोई जाति भेद है न कोई धर्म भेद है, कोई भेद नहीं मुझमें। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, मेरा जन्म नहीं मेरी मृत्यु नहीं, मुझे भय नहीं। न कोई मेरा माता है न कोई पिता है, माता पिता तो शरीर के हैं, मैं शरीरी हूँ, आत्मा हूँ, स्वयंभू सत्ता हूँ। न कोई मेरा बंधु बांधव है न कोई शत्रु है, न कोई गुरु है न शिष्य है, मैं एक अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, न चासंगतम् नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूँ, आत्म ज्योति स्वरूप शिव मैं ही हूँ, मैं शुद्ध निर्गुण निराकार आत्म ज्योति मात्र हूँ, चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, सत चित्त आनंद, द इंटरनल एग्जिस्टेंस दैट इज प्योर बीइंग which is of the nature of pure consciousness and which is ever blissful, that is my true nature. These things are not to be borrowed from anywhere. Love, bliss and beauty infinite is intrinsic to me, it's natural to me. Anything and everything that in the infinite universe which and who has experienced love, bliss and beauty, it's all borrowed from me. Essentially, there is none other than me, but in practical sense, empirical reality, I'm saying, wherever someone is experiencing love, bliss and beauty, blessedness, pleasure or joy, it's all intrinsic to self alone, the Atman alone. These are attributes of Atman, and that Atman is none but me, I one, जो एक अद्वितीय जो चैतन्य सत्ता है, वह जो आत्म ज्योति स्वरूप जो चिदानंद है, वह जो शिवानंद है, वही तो दिव्यानंद है, वही परमानंद है, वही तुम, वही मैं, वही यह, वही वह, वही अब, वही तब, वही सब, वही सर्वदा, वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सर्वस्तु है, उसके सिवा सब उसी में कल्पित है, भ्रांति मात्र है, प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है। समस्त स्वप्न का स्वप्न दृष्टा मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड का दृष्टा मैं हूँ, समस्त काल का देश का दृष्टा मैं हूँ, मैं ही वह चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। नारायण नारायण नारायण।